गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हम जो है बताए थे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन डिटेल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन इन ए प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है? तो हम जब क्लास चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ऑन द राइट साइड of the image, the change of sides of an object and its mirror image
मिरर इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन. ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे हम एक प्लेन मिरर रख देते हैं. ठीक है, यहां पे अगर आर ऐसे रखा हुआ है तो इस तरह का दिखेगा. ठीक है, यानी कि जैसे मान लिया जाए हम लोग जैसे प्लेन मिरर के सामने इस तरह से खड़ा होते हैं. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड जो बाएं लेफ्ट हैंड जो वो राइट साइड और जो राइट राइट हैंड जो वो लेफ्ट साइड दिखता है, यानी उल्टा दिखता है. लेफ्ट हैंड राइट साइड, राइट हैंड लेफ्ट साइड दिखता है. ठीक है, तो यहाँ पे है इस चैप्टर में बताया थे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो देन द राइट ऑफ द देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द राइट साइड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड. राइट साइड जब वो लेफ्ट साइड दिखेगा एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द राइट साइड. लेफ्ट साइड जब वो राइट साइड दिखे उल्टा दिखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन. जैसे अगर मिरर में हम लोग आर अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो इसमें जो है मिरर के सामने अगर ऐसा लिखा हुआ तो जो है मिरर में इस तरह का दिखेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Y is a convex mirror used as a rear view mirror. ठीक है, रियर व्यू इमेज के रूप में जो है हम लोग यानी कि साइड मिरर जो उसको बोल सकते हैं के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग क्यों करते हैं. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं. Convex mirror used as a rear view mirror because rear view image because it gives a wider field of
ऑफ व्यू विच अलाउ द विच अलाउ द मिरर सॉरी विच अलाउ द ड्राइवर which allow the driver to see most of the traffic behind him. Convex mirror always form a virtual erect and diminished image of the objects placed in front of it ठीक है. हम लोग रियर व्यू में मिरर के रूप में यूज करते हैं, गाड़ी साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, मतलब साइड मिरर. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यूज है रियर व्यू में बिकॉज इट गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू विच अलाउ द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम. ये जो साइड मिरर जो लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, वो मिरर के रूप में यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, कारण ये जो है बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है. साइड मिरर जो है एरिया को कवर करता है जिसके चलते पीछे का जो है ट्रैफिक जो है वो ड्राइवर देख सके. कारण कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल है ना, ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है और जो है ये सीधा और बहुत वस्तु से छोटा इमेज बनाता है जिसके चलते बहुत बड़ा एरिया को देख पाता है साइड मिरर के रूप में. साइड मिरर में हम लोग देख पाते हैं जिसके चलते ट्रैफिक को हम लोग देख लेते हैं जिसके चलते हम लोग आसानी से ड्राइव कर सके. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी to show rectilinear propagation of light.
लाइट, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के द्वारा हमको दिखाना है कि लाइट जो है क्लियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है, इसको हमको एक एक्टिविटी से दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक कैंडल ले लेंगे, ठीक है, कैंडल को जला देंगे, ठीक है, और उसके सामने जो है रख देंगे कार्ड जो है ना, यहां से एक इसमें होल कर देंगे, इसे हम देख रहे हैं, है ना, यहां पे कैंडल रहते जलते हुए, एक सीधे रेखा से लेंगे उस जो है कार्ड में होल कर देंगे, यहां पे होल कर देंगे, ठीक है, इसको लिखते हैं, फिर इसको आप बताते हैं, ठीक है। Take a candle which is of the same height as the holes in the cars, light the candle and place it in front of the cars, we see that the light of the candle is visible only in the holes in the holes on the card on the cards light in the lie in a straight line,
इफ वी डिस्टर्ब if we disturb them the light the light of the candle disappears. ठीक है, क्या करें, टेक ए कैंडल विद द सेम हाइट एज द होल्स इन द कार्ड. से कार्ड जो है उस होल्स है उसको सामने कैंडल को रखेंगे, यहाँ पे जो है देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो ये दिखेगा. ठीक है, अगर उसको हम डिस्टर्ब कर दें, कार्ड को अगर डिस्टर्ब कर दें तो ये लाइट जो है वो कैंडल का जो लाइट जो है वो नहीं दिखेगा. इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉन्वेक्टिव लेंस. ठीक है, डिफरेंस लिखना है तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में डिफरेंस हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी समय बता दिए थे. ठीक है, तो उसी डिफरेंस को यहां पे लिख देना है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, कंपेयर द डिफरेंट बीम डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट ठीक है, कंपेयर करना है डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट. ठीक है, तो जब हम चैप्टर जो बता रहे थे, ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट के बारे में बताए थे. ठीक है, बीम ऑफ लाइट के बारे में बताए थे जिसमें बीम ऑफ लाइट जो है वो तीन तरह का था. ठीक है, तीन तरह का बीम ऑफ लाइट था. ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. ठीक है, तो ये बीम ऑफ लाइट के बारे में बताए थे, तो ये कंपेयर करना है. ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो है
बीम ऑफ लाइट को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम पैरेलल बीम लिखेंगे और पैरेलल बीम को डिफाइन करेंगे और उसका फिगर बना लेंगे। उसके बाद कन्वर्जेंट बीम लिखेंगे, उसका डिफाइन लिखेंगे, उसका फिगर बना लेंगे। उसका डाइवर्जेंट बीम लिखेंगे, उसका डिफरेंशियल लिखेंगे और उसका फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्लास में अगला चैप्टर बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।